डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक नाइन्थ क्लास के सिलेबस से लेकर पीजी हिस्ट्री तक, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल साइंस एंड आल्सो जेके एसएसआर एंड जेके पीएस, अब फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को एक नई टेक्निक के साथ स्टडी करें। टेक्निक क्या है? दैट वी विल सिट आउट दिस फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम प्रेजेंट। प्रेजेंट का माने होता है वी विल सिट आउट इट फ्रॉम 2020। हम प्रेजेंट से इसको स्टार्ट कर लेंगे और इसके बाद हम जाएंगे पास्ट की तरफ। हमारा जो अप्रोच होगा, हमारा जो हमारी टेक्निक होगी, दैट टेक्निक विल बी दैट वी विल मूव फ्रॉम प्रेजेंट टुवर्ड्स पास्ट, और वी विल मूव फ्रॉम कंक्रीट टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट। सो फ्रीडम स्ट्रगल अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया, हम जहां रहते हैं ये जो कंट्री है, थोड़ा बहुत हम इसका एक स्केच बनाएंगे, ग्राफिकल स्केच। ग्राफिकल स्केच का माने क्या होता है? मैं आपको एक सिंपल मैप के जरिए, या देखिए एक सिंपल मैप के जरिए मैं आपको पहले ये दिखाऊंगा कि हम रहते कहां पे हैं, किस कंट्री की है मैं फ्रीडम स्ट्रगल पार्टी है। तो आप एक प्लस ड्रा कीजिए, प्लस ड्रा मीनिंग आप एक सिंपल सा एक स्केच बनाइए जैसे मैंने बताया। नाउ एट द टॉप देयर इज नॉर्थ, ओके, एट द बॉटम देयर इज साउथ, फ्रॉम राइट दिस इज ईस्ट एंड फ्रॉम लेफ्ट इट इज वेस्ट। ओके, तो पहले आप इस ग्राफिकल स्केच की तरफ ध्यान रखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। हम स्टार्ट कर लेंगे यहां से प्रेजेंट से 2020 से। ओके, यहां नॉर्थ में आता है जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में आप यहां पे लीजिए तमिलनाडु, ईस्ट में आप लीजिए अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट में गुजरात। तो ये है ग्राफिकल स्केच, सिंपल मैप, जहां हम रहते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, यहां अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। ओके, दीज आर द फोर डायरेक्शंस, दीज आर द फोर साइड्स, दीज आर द फोर बाउंड्रीज, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक। बीच में एक स्टेट आती है यहां पे मिडल में, इस मिडल स्टेट का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य मीन्स मिडल, प्रदेश मीन्स टेरिटरी, मध्य प्रदेश। नाउ ये जो मध्य प्रदेश से ऊपर का इलाका आता है इट्स कॉल्ड नॉर्थ इंडिया, ये जो मध्य प्रदेश से नीचे का इलाका आता है इट्स कॉल्ड साउथ इंडिया। सो मध्य प्रदेश से नीचे साउथ इंडिया, मध्य प्रदेश से ऊपर नॉर्थ इंडिया। नाउ हम आते हैं साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में अगर आप यहां से यहां तक लेंगे, यानी वेस्ट से साउथ तक, ओके, तो वेस्ट से साउथ तक आता है अरेबियन सी, दिस इज अरेबियन सी। ओके, नाउ साउथ में यहां पे है इंडियन ओशन, दिस इज इंडियन ओशन। ओके, नाउ यहां ईस्ट से वेस्ट तक, यानी इस साइड में, दिस इज बे ऑफ बंगाल, ये आ गया साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया इस साइड में अरेबियन सी, इस साइड में इंडियन ओशन, इस साइड में बे ऑफ बंगाल, तो सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज पेनिनसुलर इंडिया, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्कन इंडिया। ये हो गया हमारा साउथ। अब हम नॉर्थ की ओर आए, यहां ईस्ट में यहां से नॉर्थ तक हिमाचल प्रदेश तक, दीज आर ग्रेट हिमालयास, दीज आर हिमालय, तो आगे हिमालयस। ये जो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन,
इस नॉर्थ वेस्ट में आता है एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी स्टेट, दैट इज राजस्थान। और राजस्थान में द लार्जेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज थार डेजर्ट। दिस इज द ग्राफिकल स्केच ऑफ इंडिया। ओके, दैट जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, बीच में मध्य प्रदेश, साउथ इंडिया सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, दिस अरेबियन सी, दिस इंडियन ओशन, दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस आर हिमालयस, दिस इज थार डेजर्ट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ दिस कंट्री। ओके, ये हमें पढ़नी है फ्रीडम स्ट्रगल इसी कंट्री। नाउ सी, हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट कर लेंगे, वी आर लिविंग टूडे इन 2020, दिस इज 2020। ओके, दिस इज इंडिया इन 2020। हम यहां से पीछे जाएंगे, जो एक पीरियड 2000 से पीछे अगर हम जाएंगे, दैट इज अप टू 1947। 2020 से लेकर 1947 तक दिस इज इंडिपेंडेंट इंडिया। इन डिपेंडेंट इंडिया मीन्स ये जो ये वाला स्टेज है ना, 2020 से लेकर 1947 तक यह आजाद हिंदुस्तान, यानी 1947 तक एक पीरियड आता है जो अभी भी चल रहा है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट एरिया एरा, पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा। नो, 1947 से हम पीछे जाएंगे एक और सिटी, 1947 से अगर हम पीछे जाएंगे तो 1857, ये डेट तो आप सभी को याद होगा, 1857 में ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, जिसे हम रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, जिसे समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस 1857 में एक पीरियड ठीक से एंड हुआ, ठीक से, हालांकि वो पीरियड तो उससे पहले भी एंड हुआ था, लेकिन 1857 में लॉस्ट मुगल किंग, द नेम ऑफ लॉस्ट मुगल किंग वाज बहादुर शाह जफर। ये 1857 की मैं बात कर रहा हूं, बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड फ्रॉम इंडिया, और कन्वेंशनली 1857 में एंड होता है मुगल पीरियड, मुगल पीरियड। ओके, देखिए 2020 से लेकर 1947 तक एक पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, 1947 से 1857 तक, 1857 में लॉस्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफर वाज एक्साइल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक से कन्वेंशनली मुगल पीरियड कैम टू एन एंड इन 1857। हालांकि 1857 से ही तो इससे पहले मुगल पीरियड एंड हुआ। अगर हम एक और पीरियड इसके पीछे जाएंगे, 1857 से पीछे जाएंगे, 1857 से पीछे जाएंगे तो एक डेट आता है इंपॉर्टेंट डेट, 1757। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 1757। 1757 में एक बैटल होती है, एंड नेम ऑफ दैट बैटल इज बैटल ऑफ प्लासी, PLASSY, प्लासी, प्लासी इज द नेम ऑफ ए सिटी इन दिस प्लेस, एंड दिस प्लेस फॉल्स इन बंगाल। बंगाल यहां पे आता है, देखिए मैप में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, कंट्री डिसीजन कैसे होती है। तो 1757 में एक बैटल होती है, बैटल का नाम है बैटल ऑफ प्लासी, एंड दिस इज द फर्स्ट बैटल, ये पहली बैटल है बैटल ऑफ प्लासी 1757 की। विद इंग्लिश इन इंडिया दे शोड द डिजाइंस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन, ये पहला एरिया, पहली स्टेट, पहला पॉइंट जब इंग्लिश ने ये डिजाइन दिखाया कि वो टेरिटरी है इंडिया में एनेक्स करने जा रहे हैं या रूलर बनने जा रहे हैं, दैट इज दिस डेट, दैट इज 1757। ओके, हालांकि 1857 में तो ठीक से मुगल पीरियड एंड होता है, लेकिन 1757 में ही इंग्लिश ने ये डिजाइन दिखाया कि वो इंग्लिश इंडिया में रूलर बनना चाहते हैं 1757। अगर 1757 से हम थोड़ा और पीछे जाएंगे 1757, तो एक और डेट आता है, दैट इज 1526। नाउ दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, अगेन 1526,
इस 1526 में क्या होता है, दैट अ न्यू डायनास्टी केम टू इंडिया, अ न्यू रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज मुगल रूल एंड दैट पीरियड इज कॉल्ड एज मुगल पीरियड। मैंने यहां बहुत की ना 1857 की बादशाह जफर एक्साइल इंडिया से हुए थे 1857 में, वो इसी ये जो मुगल पीरियड है मुगल रूल है उसी का लॉस्ट किंग था। सो 1526 एक डेट आता है, और अगर हम इससे भी पीछे जाएंगे 1526 से पीछे देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट डेट दैट इज 1210। 1210 में क्या होता है, दैट फॉर द फर्स्ट टाइम मुस्लिम रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एंड दैट इज कॉमनली रेफर्ड एज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, देखिए टाइमलाइन तो मैंने सिंपल बनाई 2020 से लेकर 1947 से लेकर 1857, 1857 से लेकर 1757, 1757 से 1526, 1526 से लेकर 1210, और ये 1210 के पीछे अगर हम जाए क्या एस्टैब्लिश कैसे ये हुआ, तो दिस इज टॉक ऑफ 13th एंड 14th सेंचुरी, 13th एंड 14th सेंचुरी। नाउ 13th एंड 14th सेंचुरी में क्या होता है, द तुर्क अटैक्स इंडिया पे, तुर्क अटैक्स का स्टार्ट हुआ, तुर्क अटैक स्टार्ट हुआ 13th एंड 14th सेंचुरी में। एंड टू रूलर्स आर इंपॉर्टेंट, वन नेम ऑफ द वर्ल्ड रूलर इज महमूद ऑफ गाजनी, महमूद ऑफ गाजनी एंड अनदर इज मोहम्मद ऑफ गोर, मोहम्मद ऑफ गोर। एंड द अटैक्स ऑफ दीज टू रूलर्स, दिस स्टार्टेड व्हाट आर कॉल्ड एज तुर्क अटैक्स, एंड फ्रॉम दिस स्टार्ट्स द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडिया। आज मैं आपको जो टाइम लाइन दिखा रहा हूं मैं सिर्फ इसी स्टेज तक होगा, फिर हम जाएंगे एंशियंट में। अब देखिए स्टार्ट होता है सारा तुर्क अटैक्स से, टू इंपॉर्टेंट रूलर्स, वन मोहम्मद ऑफ गाजनी एंड अनदर मोहम्मद ऑफ गोरी। देन इन्हीं के अटैक्स की वजह से पहली बार एक सिटी क्रिएट होती है, एम्पायर क्रिएट होता है, एंड दैट एम्पायर वाज क्रिएटेड इन 1210 एडी। द नेम ऑफ दैट एम्पायर इज दिल्ली सल्तनत। ओके, विद दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन इन 1526 मगर रूल वाज एस्टैब्लिश्ड। नो मगर रूल कन्वेंशनली came to an end in 1857, okay? And in 1857, British Crown or British Parliament took the reins of the India. And from this 1857 up to 1947, India was under British rule, okay? Now in 1947, India got its independence. India became a free country. And from this 1947 up to 2020, इंडिया इज अ फ्री इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए मैं टाइम लाइन आपको फिर दोबारा मैं आपको टाइम लाइन रिवाइज कर रहा हूं, और ये तरीका जो है ना, एक बार आपने ये तरीका सीख लिया तो फिर ये फ्रीडम से ट्रक लिया, कोई भी पीरियड जो होगा हिस्ट्री का, कोई भी टॉपिक जो हिस्ट्री का होगा वो टॉपिक सारा आपको ठीक से अंडरस्टैंड हो। दोबारा हम आते हैं 2020 से लेकर 1947, दिस इज वन पीरियड, दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, this is free India, okay? From 1947 up to 1857, this is another period. From 1857 up to 1757, this is another period. From 1757 up to 1526, this is another period. 1526 up to 1210, this is another period. Now, topic है हमारा freedom से track. तो हमें कौन सा period पढ़ना है? हमें 1757 से लेकर 1947. यहां से बहुत स्टार्ट होती है 1757 से 1947 तक, दिस कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीडम स्ट्रगल। तो जो
जो हमारा अब इस सीरीज में, ये जो सीरीज हमने बनाई इस सीरीज में, जो हमारा पीरियड फोकस का पीरियड है वो है 1757 से लेकर 1947 तक, एंड दैट पीरियड नाउ वी विल डिस्कस इन अवर सेकेंड लेक्चर. विश यू ऑल द बेस्ट.